भावों से हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों की भी गृहस्थी पूरी हो जाए, तो आप भी अपना मन हटाओ गृहस्थी से और गोविंद में मन लगाना, घर में ना पड़े रहना। और हम आपको एक बात और बताएंगे, गृहस्थी पूरी हो जाए तो दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा पर निकल जाना। एक महीना जगन्नाथ जी रहो, एक नहीं एक महीना रंगम जी रहो श्री रंगम, एक महीना बद्रीनाथ जी रहो, एक नाथ महीना आप द्वारिका जी रहो, एक महीना वृंदावन, एक महीना अयोध्या जी, एक महीना हरिद्वार। ऐसे तीर्थों में सारी जवानी भर पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, थोड़ा बच्चे को दे दो काम शुरू कर भाई, और अपना कमाओ, और अब सारा पैसा बेटे को मत देना, अपने पास रखो, बुढ़ापे में उसी पैसे से तीर्थ यात्रा करेंगे, दान पुण्य करेंगे। बेटे को टैलेंट दे दो, तू कमा के खा भैया, हमारे कंधे पर कब तक नाचेगा, इसलिए तू कमा, तेरे को टैलेंट दे दिए, पढ़ा लिखा दिए, कमा, पैसे अपना अपने पास रखो और तीर्थ यात्रा, दान पुण्य, सेवा, परोपकार, बुढ़ापा, तीर्थों में भ्रमण करते हुए निकालो। जब तीर्थों से लौट के आओगे दो चार महीने बाद, तो बहू बादाम का हलवा खवाएगी, और दिन भर पड़ी रहती हो घर पे ही, वो भी सोचती होगी बुढ़िया कहीं जाती ही नहीं है, तो आप भी थोड़ा जाया वाया करो, बुढ़ापे में ना ज्यादा घर में ना रहा करो, घर से मन हटाना है, घर में रहोगे तो मन हटेगा नहीं, इसलिए वृंदावन धाम, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने धाम बनाए हैं कि बुढ़ापे में धामों में जाओ। लेकिन आजकल के लोग जाते ही नहीं, घर से निकलते ही नहीं, यहीं रहेंगे। और हम आपसे एक बात और कहते हैं, घर पे तो मरना मत, घर में मरोगे तो घर वाले मरने नहीं देंगे, आप देख लेना मर के। मैया घर में आप मरना मत, कान खोल के सुन लेना, घर वाले मरने नहीं देंगे। जब आप मरने की स्थिति में, एक बार हैदराबाद में एक सज्जन मर रहे थे, अभी पूरे मरे नहीं थे कि रिश्तेदार आ गए, हिलाने लगे, भैया हमें पहचानो, हमें हमें, ये जितने रिश्तेदार आएंगे सब यही कहेंगे हमें पहचानो, कोई ना कहेगा कि कृष्ण को पहचानो, भगवान को पहचानो, कोई ना कहेगा तुम्हारे भले की बात, सब कहेंगे हमें पहचानो, सारी जिंदगी नहीं तो पहचाने। और अभी ये मरते समय भी क्या कि कोई सिर हिला रहा, कोई कंधा हिला रहा, कोई पांव हिला रहा, और इतनी भीड़ भाड़ कर लेते हैं, कई बार तो धक्का मुक्की इतनी होती है, बूढ़े आदमी के ऊपर गिर जाते हैं, एक सज्जन के ऊपर गिर गए, वो गिरने से निपट गए। इसलिए हम कहते हैं घर में मरना ठीक नहीं है, घर में मरोगे तो घर में भी नहीं मरोगे, हॉस्पिटल में मरोगे। आजकल तो जन्म लेना और मरना दोनों एक ही जगह है।